हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम लर्न। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये बोर्ड मधुबनी स्टेशन का है। उस पर मधुबनी स्टेशन पे ये बोर्ड जो लगा हुआ है उस पर एक राइट हैंड कॉर्नर पर MSL 54.860 मीटर लिखा हुआ है। ये इस बात पर आप कभी गौर किए हैं क्या लिखा हुआ है? तो जानकारी के लिए आपको बता दूँ तो MSL इसका हो गया, फुल फॉर्म हो गया मेजरमेंट ऑफ सी लेवल। ये मधुबनी एरिया जो है ना वो समुद्री लेवल से कितने ऊंचाई पर है ये मेजरमेंट आप उसका लिखा हुआ है। इसका 54.860 मीटर उसका ऊंचाई है मधुबनी एरिया का। किसी को अगर ये पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मुझे पहले से ये पता था, अगर नहीं पता है तो जानकारी के लिए आपको बता दिए हैं। और इस चैनल का नाम है ऑल टाइम लर्न्स, ये इसी के लिए, छोटी छोटी जानकारी के लिए ही इसका नाम रखा गया ऑल टाइम लर्न्स। यानी कि आपको तरह तरह, अगर ऐसे ही आपको छोटी छोटी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई चीज़ पे आपको चाहिए, सबसे मेन चैनल है ये कि गाड़ी से रिलेटेड है। बाइक में कोई न्यू फीचर आता है तो हम ये आपको लोगों को जानकारी के लिए उस पर अपलोड कर देते हैं, क्योंकि कितना आदमी पूछता है कि ये कैसे होता है। तो आप उस चैनल पे बने रहिए, देखिएगा जो भी जानकारी होगी ना आपको तुरंत मिलेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो ये हेल्पफुल जानकारी आपके लिए था कि ये मेजरमेंट ऑफ सी लेवल 54.860 मीटर है। मधुबनी क्या है ना, समुद्री लेवल से इतना मीटर के ऊँचाई पर है, इसीलिए कहावत है कि गंगा उल्टी नहीं बह सकती है ना, इसी यही कारण है। क्योंकि इधर हाइट जो है ज़्यादा है, इसलिए उसका ढलान जो है सी लेवल जो है नीचे की ओर है, इसलिए उधर ढलान की ओर पानी बहता है। कितने आदमी कहते कि भैया आप उस पर वीडियो पर फेस काहे नहीं दिखाते, फेस दिखाते, फेस भी दिखाएंगे, थोड़ा समय है, बना रहे हैं वीडियो, उसके बाद फेस भी आएंगे, आपको रूबरू होकर आपका जो क्वेश्चन होता है उसका भी जवाब देंगे। कोई चीज़ की एक समय सीमा होता है, उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं, आएंगे ज़रूर। आप लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है, कई बार पूछते हैं, उसका ज़रूर हम जवाब देंगे। अभी तो कुछ ऐसे इंटरटेन के लिए और ये आपकी जानकारी के लिए छोटा मोटा हम डाल देते हैं और बना देते हैं। कोई भी चीज़ को करने के लिए थोड़ा समय लगता है, अभी समय हम नहीं दे पा रहे हैं। समय अगर मिलेगा अच्छे से तो साथ में बैठेंगे, ये साथ में मेरा दोस्त भी है, वो भी बैठेंगे, उसके बाद अच्छे से कंटेंट बनाकर आपको कंटेंट डालेंगे और देखने में आपको मज़ा आएगा। ये जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।